जंगल के राजा शेर के दरबार में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। शेर शेर होता है, शेर की तुलना किसी अन्य जीव से नहीं की जा सकती। दोस्तों ये अलग बात है कि आज इंसानों ने विज्ञान के दम पर शेरों की जनसंख्या कम कर दी है, लेकिन दुनिया में जब भी शक्ति, बुद्धि, हौसला, हिम्मत, साहस और राजा की बात की जाती है तो शेर का नाम सबसे पहले आता है। आज आपको इस वीडियो में शेर के बारे में जानने को मिलेगा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में लायन भी कहते हैं। यही नहीं बल्कि शेर को हिंदू धर्म में पूजे जाने वाली शेरावाली माता की सवारी भी माना जाता है और शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है। इन सभी कारणों के चलते शेर की महत्वता काफी अधिक बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए शेर के अन्य जंगली जानवरों से खतरनाक मुकाबलों को लेकर आए हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शेर से जुड़ी एक रोचक तथ्य की बात करें तो शेर जब दहाड़ता है तो शेर की दहाड़ की आवाज 5 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। यह सत्य है कि शिकार करने की वजह से और जंगलों के कटने की वजह से लायन की प्रजाति तेजी से विलुप्त होती जा रही है। शेर का शिकार करना कानूनी अपराध है, लेकिन इन सबके बावजूद शेर का शिकार चोरी छुपे किया जाता है। अगर आप शेर की प्रजाति को विलुप्त होने से बचाना चाहते हैं, तो आप शेर के बारे में स्वयं को और दूसरों को जागरूक बनाएं। शेर आपके देश की धरोहर है। कहते हैं कि जब शेर दहाड़ता है तो पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। दुनिया उसी के कदमों में झुकती है जो पहचान छोड़ जाता है। जैसे शेर जिस भी जगह से गुजरे अपने निशान छोड़ जाता है। इलाका कुत्तों का होता है, शेर जहाँ होता है वहाँ का राजा होता है। शेर की औसत आयु 25 से 30 वर्ष की होती है। शेर का वजन 150 से 250 किलो तक होता है, जबकि शेरनी का वजन 110 से 180 किलोग्राम तक होता है। पूंछ को छोड़कर शेर की लंबाई 2.6 से 3.3 मीटर तक होती है और शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक दौड़ सकता है। शेर 2 साल की उम्र से ही दहाड़ना शुरू कर देता है। शेर को सिंह भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पेंथेरा लियो होता है। अगर आप शेर देखना चाहते हैं तो अपने शहर के चिड़ियाघर में देख सकते हैं। जंगली सिंह वर्तमान में उपसहारा अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं और इसकी तेजी से विलुप्त होती बची खुची जनसंख्या उत्तर पश्चिमी भारत में पाई जाती है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में एक वन्यजीव अभयारण्य है जो विशेषतः शेरों के लिए ही संरक्षित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात स्टेट के तालाला गिर के पास स्थित है। सरकार के वन विभाग वन्यजीव कार्यकर्ताओं और एनजीओ की मदद से गिर के वनस्पतियों और जीवों के साथ गिर इकोसिस्टम संरक्षित है। इस पार्क को 1965 में स्थापित किया गया था। अगर आप गिर नेशनल पार्क घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। गुजरात के पश्चिम में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य अफ्रीका के बाद एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शेर दहाड़ते हुए आजाद घूमते हैं। यह पार्क 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर शुष्क पर्णपाती जंगल और सवाना वन का मिश्रण है। पार्क में बहने वाली बारहमासी और मौसमी नदियों के साथ पानी के अन्य निकायों ने दलदली मगरमच्छ, सरीसृप और पक्षियों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अनुकूल वातावरण बनाया है। सिंहों के एक समूह जिसे अंग्रेजी में प्राइड कहा जाता है में मादाएं, बच्चे और छोटी संख्या में नर होते हैं। मादा सिंहों का समूह प्रारूपिक रूप से एक साथ शिकार करता है। सिंह शीर्ष के और मूलतत्व शिकारी होते हैं। हालांकि वे अवसर लगने पर मृतजीवी की तरह भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इनके शिकार मुख्य रूप से बड़े स्तनधारी होते हैं, जिसमें जंगली बीस्ट इम्पाला, जेब्रा, भैंस और अफ्रीका में वार्थोग और नील गाय, जंगली बोर और भारत में कई हिरण की प्रजातियां हैं। शेर एक जंगली जानवर है जो जंगल में रहना पसंद करता है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसके पास जंगल के राजा का खिताब है। यही नहीं पूरे जंगल में कोई इससे खतरनाक जानवर नहीं है। चाहे शाकाहारी जानवर हो या मांसाहारी, सभी शेर से डरते हैं और इससे दूर रहना पसंद करते हैं। जंगल के सभी जानवर शेर के आगे नतमस्तक ही रहते हैं।
भारत में 2010 में शेरों की आबादी 411 थी, जो 2015 में यह बढ़कर 523 हो गई और अभी भी भारत में उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। भारत के अशोक स्तंभ में भी शेर को ही प्रदर्शित किया गया है। सारनाथ और सांची के अशोक स्तंभों के ऊपरी हिस्से में चार एशियाई मूल के शेर दिखाई देते हैं। यह शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव को दर्शाते हैं और इसके नीचे एक घोड़ा और एक बैल हैं। इसके बीच में धर्म चक्र है और चक्र के पूर्वी भाग में एक हाथी, पश्चिमी भाग में एक बैल, दक्षिणी भाग में घोड़े और उत्तरी भाग में शेर हैं। यह मध्य में बने पहियों से अलग होते हैं। सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण देश के कई हिस्सों में कराया था। स्वतंत्र भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में इस ऐतिहासिक स्तंभ को अपनाया गया है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट माने जाते हैं। 304 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। 232 ईसा पूर्व तक उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश, तक्षशिला से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी, मैसूर तक फैला था। अब देखते हैं शेर के अन्य जंगली जानवरों से खतरनाक मुकाबले। एक, दरियाई घोड़ा और लायन। शेर वैसे तो समूह में शिकार करते हैं, कभी कभी यह अति आत्मविश्वास में आकर अकेले ही शिकार के लिए निकल जाते हैं और ऐसी ही गलती यहाँ एक शेरनी ने की। जब दरियाई घोड़ा, जिसे हम हिप्पोपोटेमस के नाम से भी जानते हैं, वह आराम कर रहा था कि तभी वहाँ शेरनी आकर उसका शिकार करने की कोशिश करने लगती है। हिप्पो को एक अकेला शेर नहीं हरा सकता। शेर का बाइट फोर्स 650 PSI है, वही हिप्पो की बाइट फोर्स 1820 PSI है और यह 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। हिप्पो 150 डिग्री तक अपना मुंह खोल सकते हैं, जिससे इनका मुंह लगभग 5 फुट तक खुल जाता है और इसके दांत की लंबाई लगभग 1 फुट तक होती है। वही शेर अपना मुंह केवल 11 इंच तक खोल पाता है और हिप्पो की शरीर की कई इंच मोटी चमड़ी को चीर पाना शेर के लिए भी बहुत मुश्किल है। हिप्पो अकेले शेर से सभी प्रकार से सुरक्षित है। यदि शेर हिप्पो से अकेले लड़ेगा तो वह निश्चित ही मारा जाएगा और यदि शेर का झुंड हिप्पो का शिकार करने के लिए आते हैं तो जाहिर सी बात है हिप्पो का बच पाना बहुत मुश्किल है। वीडियो में शेरनी की किस्मत अच्छी थी जिससे वह बच गई, नहीं तो आज उसका काम तमाम हो जाना था। गैंडा और लायन। गैंडा एक शाकाहारी जानवर है, लेकिन शेरों से लड़ाई के मामले में यह बोस है। गेंडे की बाइट फोर्स 1100 PSI की होती है। गेंडे को इंग्लिश में राइनोसोरस या राइनो भी कहते हैं और यह 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग सकता है। वही शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग सकता है। राइनो अपने सींग से अपने पास आने वाले जानवरों पर अटैक करता है और इनके सींग की लंबाई 5 फुट तक हो सकती है, जबकि शेर अपने जबड़ों से शिकार करता है। गेंडे की शरीर की कई इंच मोटी चमड़ी को चीर पाना शेर के लिए भी बहुत मुश्किल है। गेंडा अकेले शेर से सभी प्रकार से सुरक्षित है। यदि शेर गेंडे से अकेले लड़ेगा तो वह निश्चित ही हार जाएगा और यदि शेर का झुंड हिप्पो का शिकार करने के लिए आते हैं तो जाहिर सी बात है गेंडे का बच पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ विनर कौन होगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। शेर और भालू। भालुओं के आम लक्षणों में बड़ा शरीर, मोटी टांगे व बाजू, लंबी नाक, पूरे बदन पर घने बाल और पाँव में सख्त नाखून शामिल हैं। भालू झुंड के बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं। यह प्रायः 4 फुट से 7 फुट तक लंबा और 2.5 फुट से 4 फुट तक ऊंचा होता है। इनकी रफ्तार लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। यहाँ पर भी शेर झुंड में तो भालू से जीत जाएगा, लेकिन अकेले में दोनों ही जानवर एक दूसरे पर भारी पड़ेंगे। यहाँ पर दोनों ही घायल होकर और थक कर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, क्योंकि दोनों ही ताकत और गुणों के मामले में एक दूसरे के बराबर है। शेर और बबून। बबून लंगूर की ही एक प्रजाति है। बबून लंबाई में 47 इंच और वजन में 40 किलोग्राम तक होते हैं। सभी बबून के पास लंबे, कुत्ते की तरह के तेज कैनाइन दांतों के साथ भारी शक्तिशाली जबड़े, उनके मुंह को छोड़कर मोटी फर और छोटी पूंछ होती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले शेर के सामने 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले बबून की क्या हैसियत। जब भी शेर और बबून एक दूसरे के सामने आते हैं, शेर बबून और बबून शेर पर हमला करता है। जब बबून का एक समूह शेर को अकेला देखता है तो वे उस पर हमला करते हैं और बुद्धिमान दिखने वाला शेर खुद की जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। शेर और बबून की असली लड़ाई में शेर को भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती है।
हालांकि शेर बबून पर हावी है, लेकिन बबून शेर के शावक का अपहरण करके उसे मारकर उसका बदला लेता है। सिंह और बबून के बीच यह दुश्मनी बहुत पुरानी है। शेर और एनाकोंडा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप है और वजन में भी यह दुनिया का सबसे भारी सांप भी है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अब तक के एक माप के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच व्यास का मिला है। यह जब भी कोई शिकार देखता है तो यह उस पर आक्रमण कर देता है और उसे सीधे ही निगल जाता है। एनाकोंडा के शिकार अधिकतर इंसान और कुछ बड़े जीव होते हैं, क्योंकि छोटे जीवों का शिकार वो अपनी विशाल काया के कारण कर ही नहीं सकता। यदि शेर को एनाकोंडा ने अकेले पकड़ लिया तो वह निश्चित ही मारा जाएगा, और यदि शेरों का झुंड एनाकोंडा के सामने आ जाए तो शायद वे एनाकोंडा का कुछ बिगाड़ पाएंगे, लेकिन पानी के अंदर तो एनाकोंडा शेरों के झुंड को भी मार सकता है। तो यहाँ विनर कौन होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। शेर और मगरमच्छ। क्या होगा जब शेर और क्रोकोडाइल, जो अपनी अपनी प्रजाति के सबसे खौफनाक जीव है, वो आमने सामने आ जाए? तो दोनों ही जानवर किसी दैत्य से कम नहीं है। इनके चंगुल से बचना नामुमकिन है। क्रोकोडाइल एक ऐसा जानवर है कि यदि कोई भी जीव इनके इलाके में गया तो समझो वह तो गया। मगरमच्छ रेप्टिलिया वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में एक है और यह 4 से 25 मीटर तक लंबा हो सकता है। मगरमच्छ रात में भी बहुत अच्छा देख सकते हैं और इसी कारण वे रात में शिकार करना पसंद करते हैं। इनकी उम्र लगभग 30 से 40 साल और बड़ी प्रजातियों के मामले में औसतन 60 से 70 साल है। यहाँ यह कह पाना कि कौन जीतेगा बहुत मुश्किल है। मगरमच्छ और शेर की लड़ाइयों में कई बार ऐसा देखा गया है कि चाहे वह जमीन पर हो या पानी में, कभी मगरमच्छ जीत जाता है तो कभी शेर पानी में मगरमच्छ से जीत जाता है। लगता है इनकी हार जीत का फैसला इनके मिजाज पर निर्भर करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि मगरमच्छ शेर के झुंड से भी बचकर वापस आ जाता है, तो कभी काफी सारे शेर एक साथ मिलकर मगरमच्छ को मार भी सकते हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शेर और सांप। क्या होगा जब शेर और एक जहरीला सांप आमने सामने आ जाए? तो हमारी पृथ्वी पर कई सारी प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। यह निर्भर करता है कि शेर का मुकाबला किस तरह के सांप से है। यदि सांप जहरीला है तो फिर तो वह शेर को आसानी से डस कर मार देगा। यहाँ सांप के लिए उसका जहर उसका सुरक्षा कवच है, और यदि सांप जहरीला नहीं है तो निश्चित तौर पर शेर उसे मार देगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि सांप के डसने पर शेर की कुछ ही पल में मृत्यु हो जाती है। शेर की शरीर की क्षमता इतनी नहीं है कि वह सांप के जहर से उसे बचा ले। इन दोनों की लड़ाई में जो भी पहले हमला करेगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। शेर भी एक बार में ही अपने पंजे के प्रहार से सांप का काम तमाम कर सकता है। शेर और वाइल्डबीस्ट। वाइल्डबीस्ट, जिसे ग्नू भी कहते हैं, अफ्रीका में पाया जाने वाला द्विखुरीय प्राणी है जो कि सींग वाले हिरनों की बिरादरी का है। यह जानवर शेर के मुख्य शिकारों में से एक है। यह शेर से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय भागने के, लेकिन कभी कभी वक्त बदलता है और यह जानवर जब भीड़ में भागता है तो इसके सामने आने वाले सभी जानवरों को यह रोनता हुआ चला जाता है, चाहे वह शेर ही क्यों ना हो। आप वीडियो में देख ही सकते हैं। शेर और अफ्रीकी भैंस। यह भी भैंस की ही एक अलग प्रजाति है। इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, वजन 320 किलो होता है, और अफ्रीकी भैंस में गाढ़े उभरे हुए सींग भी होते हैं। यह पूर्णतः शाकाहारी है और इसके झुंड के सदस्य एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। एक झुंड का सटीक आकार उपप्रजातियों द्वारा भिन्न होता है। अफ्रीकी भैंस एक अत्यंत सुंदर चरवाहा जानवर है। अधिकांश भोजन रात में करती है और पीने की शुरुआत सुबह और देर दोपहर में होती है। अफ्रीकी भैंसों को आक्रामक रूप से हमला करने के लिए जाना जाता है। जब ये घायल हो जाते हैं तो उनके युवा उनकी रक्षा करते हैं। यह जानवर शेर के मुख्य शिकारों में से एक है। यह शेर से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय भागने के, लेकिन जब भी इन भैंसों के किसी अपने पर शेर हमला करता है तो यह बहुत ही आक्रामक हो जाती हैं और वापस शेर पर हमला कर देती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक शेर भैंसों के झुंड से घिर चुका है, और आपको क्या लगता है कि क्या वह आज मारा जाएगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शेर और हाथी। हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जानवरों में से एक है और इसे धरती का सबसे ताकतवर जानवर भी माना जाता है। आमतौर पर यह एक जंगली जानवर है
यह एक शाकाहारी जंगली जीव है। यद्यपि हाथी एक शांत स्वभाव का जीव है, लेकिन जब इसे परेशान या फिर इस पे हमला किया जाए तो यह काफी खतरनाक बन जाता है। यह 100 और 120 वर्षों तक जीवित रह सकता है। यह ऊंचाई में 10 फीट से ज्यादा भी हो सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि शेर झुंड में शिकार करता है, झुंड में आए शेरों से किसी भी जीव का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए शेर हाथी का आसानी से शिकार कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाथी भी झुंड में रहते हैं और ऐसी स्थिति में वह शेरों की अकल ठिकाने लगाने में देर नहीं करते। ज्यादातर तो शेर ही जीतेगा, लेकिन हार जीत का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि किसका दिमाग ज्यादा सटका हुआ है। शेर और लकड़बग्घा। लकड़बग्घा को इंग्लिश में हाइना भी कहते हैं और लकड़बग्घा हाइएनिडी परिवार का एक सदस्य है। लकड़बग्घा बड़े आकार का कुत्ते की तरह दिखने वाला एक मांसाहारी जानवर है। जब कोई लकड़बग्घा अपने शिकार पर हमला करता है तो उनके मुंह द्वारा लगाया गई ताकत किसी भी जानवर की हड्डी भी तोड़ सकती है। भारत देश में भी लकड़बग्घा पाया जाता है और लकड़बग्घा अफ्रीका और एशिया के सवाना, घास के मैदान, उपरेगिस्तान, जंगल और पहाड़ों में भी पाए जाते हैं। शिकार के बाद लकड़बग्घा अपने साथियों को बुलाने के लिए एक अलग आवाज लगाता है। इस आवाज को शेर अच्छी तरह पहचानता है और वहां पहुंचकर उससे लड़कर उसका शिकार छीन लेता है। झुंड में लकड़बग्घा शेर पर भारी पड़ते हैं, लेकिन शेर अकेला होते हुए भी लकड़बग्घा को मार मार के उनकी हड्डी पसली बराबर कर देता है। ऐसा कभी कभी होता है कि लकड़बग्घा के झुंड ने किसी शेर को मार दिया हो, अतः यहाँ विजेता तो शेर ही है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी भरे वीडियोस की सूचना सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।